दोस्तों हमें अपने घर वालों से माता पिता से हमेशा डांट पड़ती है ना कि बात बात में जो तुम मोबाइल हाथ में रखते हो कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, किसी एक काम में मन नहीं लगता क्या। अब सोशल मीडिया में लोग मोदी जी को इसी बात के लिए कोस रहे हैं कि 48 घंटे के मौन व्रत के लिए गए हैं, ध्यान कार्यक्रम के लिए गए हैं, मेडिटेशन के लिए गए हैं, तपस्या के लिए गए हैं, तो भी मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे हैं क्या। दोस्तों 24 घंटे पहले आज तक की एक खबर देखिए जिसमें वो बताते हैं कि मोदी जी 45 घंटे के मौन व्रत और साधना में हैं, कि जमकर वीडियोस भी मोदी जी ने खुद ही अपने YouTube चैनल में शेयर। लेकिन लोग हैरान तब रह गए जब कल शाम 5 बजे से धड़ाधड़ मोदी जी ट्वीट पर ट्वीट करने लगे। लोग पूछने लगे कि ये किस तरह का मौन व्रत है, किस तरह की साधना हो रही है, ये किस तरह की साधना हो रही है, आप बताइए कि मोदी जी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप मोबाइल अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों पहले मोदी जी ने शाम के 5 बजे के आसपास असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन आया उसको लेकर ट्वीट किया, जो कि एक ज़रूरी ट्वीट था। चलिए हो सकता है कि मोदी जी साधना कर रहे हों, किसी टीम के शख्स ने बताया हो कि मोदी जी ये नेचुरल डिजास्टर है, इस पर आप ट्वीट कर दीजिए, तो मोदी जी ने बिना बोले ट्वीट कर दिया और फोन साइड में रख दिया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मोदी जी फिर भारत की GDP की तारीफ करने लगे और फिर एक ट्वीट करने लगे। कमाल की बात है, नहीं मोदी जी ध्यान भी कर रहे हैं, भारत की GDP के बारे में सोच भी रहे हैं और फिर बोल भी रहे हैं। मतलब मानते हैं कि असम, मणिपुर, मेघालय को लेकर ट्वीट करना एक जरूरी कार्य था, लेकिन GDP की तारीफ करना भी जरूरी कार्य था। फिर सुबह मोदी जी देश को 7वें आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर प्रोत्साहित भी करने लग गए। तो सवाल है दोस्तों कि जब मोदी जी लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, लगातार अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो ध्यान कैसा हो रहा होगा, मतलब किस तरह का ध्यान हो रहा होगा। इस पे बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही। जैसे वकील संजय हेगड़े ने कहा कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है मोदी जी का, बहुत ही गलत तरीके से हैंडल कर रहा है। जो क्लाइंट है वो मेडिटेशन कर रहा है और सोशल मीडिया से धड़ाधड़ ट्वीट पे ट्वीट हो जा रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ध्रुव राठी, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि क्या वाकई में आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर सारी सिचुएशंस को ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप सारी सिचुएशंस को ट्रैक कर रहे हैं तो मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं और फिर ट्वीट कैसे कर रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकती हैं। हर किसी के दिमाग में यही बात चल रही होगी दोस्तों कि दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकती हैं। एक और यूज़र है एविएटर अमरनाथ कुमार, लिखते हैं भाई 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 भाई, तपस्वी तो ध्यान के अंदर से ही ट्वीट कर रहा है, कभी देखा है ऐसा तपस्वी। इसके अलावा सिद्धार्थ नाम के यूज़र लिखते हैं मोबाइल और मेडिटेशन एक साथ। इसके साथ साथ दोस्तों ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने कभी भी मोबाइल और मेडिटेशन साथ में नहीं किया। दोस्तों मुझे पता है क्या लगता है, सारे के सारे लोग जो मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं सब अनाड़ी हैं। मोदी जी थोड़ी अपना सोशल मीडिया चला रहे होंगे, मोदी जी की टीम चला रही होगी। लेकिन अगर मोदी जी की टीम चला रही है तो PMO की तरफ से ट्वीट हो जाता, क्योंकि PMO की तो टीम ही चलाती है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय है वो। प्रधानमंत्री का तो ये व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट है ना। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी की टीम ट्वीट कर रही है या कल भी मौन व्रत के दौरान भी पीएम मोदी की ट्वीट जो टीम थी वही ट्वीट कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हमेशा मोदी जी की टीम ही ट्वीट करती है? तो हमेशा मोदी जी जो बात बोलते हैं उनकी टीम बोलती है? बड़े कन्फ्यूजन है, मोदी जी को खुद ही इस कन्फ्यूजन पर कुछ बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है, बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे कैसे, अभी तो मौन व्रत चल रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, जितना भी हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।